भाई कमरे में गई वो कुछ भी जानते वाकई सर यार चल के थे यार यहाँ कैसे आ गई अंदर 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 भाई ढोल के पास भाई सूर्या जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्या आपके अपने YouTube चैनल वेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्या 2.0 पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ में जो मेरे भाई हैं वो आए हुए हैं, जिक्र करूंगा द आरजे ब्लॉग से राधे भाई जो मेरे साथ में आए इस लोकेशन पे, पर अभी उनको बुलाऊंगा नहीं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है या इतनी ज़्यादा ज़रूरी है इस लोकेशन के लिए कि हम किसी भी तरह से किसी भी लोकेशन पे जब फंसते हैं ना, चाहे मैं हूँ या बाकी अदर हॉन्टेड ब्लॉगर हैं जो अपनी जान पे जोखिम लेकर के किसी लोकेशन को रात के इस टाइम पे विजिट करते हैं, तो समस्या या दिक्कतें जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज दो कैमरे चल रहे हैं हमारे, राधे भाई हैं कैमरे के पीछे अभी, तो उनको बुलाना चाहता हूँ। उसके बाद जो कुछ यहाँ का इंसिडेंट है वो सब कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनको मैं दिल से हर बार कुछ कहता हूँ, आज भी कुछ कहना चाहता हूँ। उससे पहले राधे भाई को बुला लेते हैं। राधे भाई आप आओ। देखो हम काफ़ी टाइम बाद में मिले। जय श्री महाकाल। हेलो दोस्तों, आप सब खैरियत होंगे, अच्छे से होंगे और घर वाले भी अच्छे से होंगे। कुछ मेरे भाइयों को, हम दोनों को शायद साथ में देख के थोड़ी सी जलन होगी। नहीं ठीक है, आपकी बात कुछ करता हूँ, सॉरी मैं माफी। हम दोनों भाइयों में या किसी भी हॉन्टेड ब्लॉगर में, देखो हम कभी भी ये चीज़ नहीं देखते कि हमारी आपसी कभी लड़ाई हुई थी। हम ये चीज़ जानते हैं कि ये भी जान का जोखिम लेते हैं या बाकी और जो है वो भी अपनी जान का जोखिम लेते हैं। कई सारी चीज़ें कभी मिसमैच हो जाती है, थोड़ी सी गलत फहमी की वजह से बातें, देखो गलत फहमी भी होती है और उसके बाद कभी वापस समझाइश करने की कोशिश नहीं करते, ये चीज़ भी होती है कहीं ना कहीं। तो यार दोस्तों, आज स्पेशली देखो भाई से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि यार इस लोकेशन पे मैं आपके साथ विजिट करना चाहता हूँ। उसकी दोस्तों दो वजह थी, क्योंकि मैंने इनके यहाँ के दोनों पार्ट देखे थे, पूरी वीडियो वॉच करी थी। उसमें मेरे को एक चीज़ लगी कि यार जैसा इन्होंने यहाँ की स्टोरी बताई थी कि कोई पागल लड़की थी और शायद मेंटली उसको टॉर्चर करा गया था, डिसेबल थी और उससे के दोस्त लोगों ने, और वो जो कैमरे में जो मोमेंट रिकॉर्ड हुआ था ना दोस्तों, कसम से मैं उसको देख के हैरान था। जैसे वो रियल लाइफ में मरने से पहले जैसे वो करती थी ना हरकतें, सेम वैसी की वैसी चीज़ सूर्या भाई शायद रिकॉर्ड हुई थी जो वो दौड़ के गई थी। बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ वो चीज़ देख के दोस्तों, कसम से है ना घोस्ट बम वाली फीलिंग आई थी, रोंगटे खड़े कर दिए थे। और जब कहानी सुनी ना, जब भाई ने जो स्टोरी बताई वो सुन के तो शायद थोड़ा सा यहाँ से अटैचमेंट भी ऐसा हो गया कि यार वाकई उस बच्चे के साथ कुछ तो गलत हुआ है। तभी कोई इंसान उस लेवल तक चला जाता है कि उसकी मौत को उसने इन सारी चीज़ों से आगे समझा। मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूँ आरजे ब्लॉग वाली फैमिली से और वेस्ट इंडियन एडवेंचर जो हमारी फैमिली है उनसे एक बात क्लियर कह देना चाहता हूँ कि आप अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। कर्म जो है वही आपको आगे वापस लौट के मिलते हैं।
आप अगर आज सोचते हो कि मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ तो कल को मेरे साथ बुरा नहीं होगा। गलत फहमी में जी रहे हो, क्लियर बोलता हूँ क्योंकि छाती में इतना दम रखता हूँ, सच बोलता हूँ। इसलिए कर्म आपके भाग्य का या आपके साथ आने वाले कल का फैसला करते हैं कर्म। अगर आप कर्मों में सच्चे हो तो किसी के साथ छल, कपट और झूठ ये सारी चीज़ें कभी मत करना जिंदगी में, नहीं तो जो दिन आपने किसी और को दिखाए वो खुद के भी आता, वो जरूर आएंगे क्योंकि देने वाला एक है। वो जो समय का चक्कर होता है ना, जो सुई होती है वो काटा, वो घूम के आता है दोस्तों, ठीक है। और वो आएगा, अगर आप किसी के साथ रोंग कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, तो एक ना एक दिन वो सुई आप पे भी घूम के आना है, इफेक्ट आना है डेफिनेटली। तो ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए दोस्तों, एक स्मॉल रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके दोनों भाइयों पे बरकरार रखें। रात के 11-11 बजे 12-12 बजे AC सुनसान लोकेशनों पर सिर्फ आपके लिए आते हैं, ठीक है। हमारे भी घर परिवार है, हम भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट आपके प्यार के लिए, ठीक है। और आज शायद एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि सूर्या भाई के सिर पे एक टीका आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं। एक सिर पे आपको टीका नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आने से पहले ये मेरे को एक जगह लेके गए थे, एक मंदिर में, कि शायद यहाँ पे अपन माता टेक के उस लोकेशन पे चलेंगे ना, तो शायद उस बच्ची के लिए कुछ अच्छा कर पाए, उसकी मुक्ति या उसकी मोक्ष के लिए, और वो भी अपने को समझने की कोशिश करेगी। तो यार आगे बढ़ने से पहले मेरी और भाई की जितनी भी YouTube फैमिली, उनसे एक रिक्वेस्ट है आपके छोटे भाई राधे की, ठीक है, आप सभी से कि यार जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, और आपके जितने भी व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है उनमें शेयर जरूर कर देना। खैर हम अगर इतनी मेहनत करते हैं ना, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, जो आपका सपोर्ट होता है ना, जो मोटिवेशन होता है वो मिलता है हमें आपके सब्सक्राइब करने से, और वीडियो को जब आप एंड तक देख के शेयर करते हो ना, उससे जो मोटिवेशन मिलता है सच बताए वो इतनी हिम्मत देता है कि हम किसी भी लोकेशन पर रात के 12 बजे तक चले जाते हैं। उसमें क्या होता है सूर्य भाई, प्यार दिखता है ऑडियंस का कि यार ये अपने साथ कितने हैं और कितने टाइम से है। हाँ, एक और बात कह देना चाहता हूँ, देखो लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज़ कही थी कि एक बार आगे आ जाओ मेरे भाई, आप लोग आगे आ जाओ। और भी जो लोकेशन है, मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ का जो वास्तविक डर है वो हम फील कर पा रहे हैं। राधे भाई ने कहा कि हम मंदिर जा के आए, उससे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम भी था, वहाँ पर गए थे हम, और उसके बाद मंदिर जा कर के फिर यहाँ आए। तो आप सभी से गुजारिश है, हाथ जोड़ के, कि अपना प्यार साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने कर रखा उनको दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। हमारा जो मोटिव रहता है वो है सच को सामने लाने का, और ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी गतिविधियाँ जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है, वो सब कुछ आप लोगों के सामने रियल लाइफ में लाना। आपको आवाज़ आई थी भाई पीछे से, कुछ आवाज़ तो आई यार सुनी, माइनर सी कोई आवाज़ थी किसी लड़की की। एक सेकेंड, हम कुछ लेकर भी आए हैं यहाँ पे। हाँ, जो आप उसके लिए लाए थे ना पहले, वो चीज़ें आप एक बार ऑडियंस को दिखा भी दो। बिल्कुल, देखो ना, आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में सिर्फ करना मैं भूल गया। आप सभी के लिए कुछ, आप सभी के लिए और आप सभी के प्यार से हम इस लोकेशन पे अपना प्यार भरा रिश्ता बनाने के लिए कुछ लेकर के आए, तो वो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। हाँ, सुनो से देने पर तो हमारे पास जो था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दो। हमारे पास जो है दिखाने के लिए वो है प्यार, एक जरिया, एक माध्यम जिससे हम उस रूह से डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। एक ढोल के लिए छोटी सी ढोल लेके आए, एक तरीके से अगर समझाए ना, शायद वो हमें थोड़ा सा अच्छा समझे, ठीक है। शायद हमें उन लोग, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है, किसी की ऐसे मौत होती है ना किसी के टॉर्चर से, तो वो हर इंसानी रूप आदमी को या औरत को वो अपना गुनहगार समझती है। शायद जो सूर्या भाई जो चीज़ लेके आए, शायद इसको देख के आज वो अपने से कनेक्ट हो सकता है, शायद वो हमसे बात भी करें। देखते हैं दोस्तों आज क्या होता है, ठीक है। कसम से मैं खुद अभी भी सस्पेंस में हूँ इस जगह पे आके, के यार हो सके हम उसके लिए अच्छा करें। भाई सूर्या
रिकॉर्ड हुआ ब्रदर? हाँ भाई हाँ, हुआ है भाई, हुआ है। आप दोनों साथ रहना। हाँ भाई बिल्कुल। हम एक इतनी जोखिम बड़ी लोकेशन पे है जिसमें कोई इंसान आना नहीं चाहता। भाई साहब यहाँ पे रोशनी तक दिखाई नहीं दे रही इस बाउंड्री के अंदर मेरे को अभी तक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अजी आप लोग पास कर लीजिए। बोले मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे दो यहीं से है ना, आप उसकी कोचिंग शुरू कर दो। टीम लेके आयो ना और उसको देने की कोशिश करो। आने का मकसद क्या है और क्या है कि मेरे को लगता है कि जो ग्रोथ हुई ना उससे रिलेटेड ही है, वो भी हो सकती है। 99% चांसेस है। इसके अलावा लास्ट टाइम कुछ और रिकॉर्ड हुआ था वापस करी हुई उस चीज़ जिसके खिड़की में विंडो के पास। हाँ कसम से देखिए मिल रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम जो है आपको यहाँ परेशान करने के इरादे से बिल्कुल नहीं आए। हम बस एक प्यार भरा रिश्ता आपसे जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आवाज़ें हो रही है। गेट की आवाज़ आ रही है, सूर्य में दरवाजे की आवाज़ें आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है, आवाज़ें चुप हो रही है। नहीं जानते कि वो हमारे साथ कितना कनेक्ट होगी या नहीं, क्योंकि उस इंसान ने अपनी मौत को उस वक्त गले लगाया जब उसको इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी, या एक वर्ड में कहे तो वो इरिटेट हो चुकी थी। हमारे सामने से जो लड़की है तो आवाज भैया पूरी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है। आवाज आ रही है देखो, दुकान के पास खड़े ना, कोई तो है, कोई तो मार्क है कोई चीज़, आगे तक किसी चीज़ के निशान बने हुए हैं, पर उसके लाइटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही अपने पास, इस वजह से हम देखें। पहले आप पास आइए, हम पास पहले कहते ही यहाँ पे नहीं, पहले कभी नहीं आपकी वीडियो में तो नहीं दिखा था, अभी भी नहीं था ये। पर आपकी हमला करना है, आप फोकस करके देखना है। पांव के निशान है भाई, ये उंगलियों के, ये देखो ये पीछे का हिस्सा ही, लेकिन है ना ये चीजें आप देख रहे हो ना, ये पांव के निशान। सूर्य भाई एक चीज नोटिस नहीं करी आपने, ये केवल राइट पांव है, एक पांव का है ये पैर, ये देखो ये थंब नेल अंगूठा अंगूठा दिख रहा है केवल, ठीक है। तीनों फुटप्रिंट में केवल यही चीज आ रही है, क्या है यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे दो है देखो। लेकिन यहाँ पे भी देखो वही सेम चीज नोटिस करो, यहाँ पे भी ये राइट वाला पांव है, यहाँ पे भी राइट वाला। ये जो आप लोग पेड़ देख रहे ना, ये क्लियर ऐसे पता चल रहा है कि दोनों एक ही पैर के निशान हैं, और किसी नॉर्मल पर्सन की ये निशानी नहीं होती है। आप लाइटिंग बढ़ा भाई, मेरे भाई लाइट ऑन कर लो एक बार आप, क्योंकि यहाँ पे किसी भी अगर कोई इंसान होता है ना राजू भाई, तो उसके सेम दोनों एक जैसे पैर नहीं हो सकते। कसम से ये दिमाग को हिला देने वाली चीज़ें यार दोस्तों, यार केवल राइट पांव का होना, ठीक है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये जा रहे आगे मेरे काम ना, सूर्य भाई इनको फॉलो करता है पहले, शायद हो सके कुछ हिंट मिले। आगे तो बने हुए हैं, ये तो अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखो सबसे अजीब चीज और सबसे वियर्ड जो है वही निशान है यहाँ पे, देखो गेट पे ना दो दो फुटप्रिंट है, वो सेम पांव के है, एक ही जैसे पांव के सेम, जैसे वो चीज वहां बनी हुई है ना। ये आवाज आ रही है आगे पीछे खिड़की से, आवाज आ रही है खिड़की से, आवाज आ रही है।
सूर्य भाई यहाँ की जो स्टोरी आपको पता चल गया, आपको ये लगा कि शायद पाम वाम उसके साथ कुछ गलत करा हो, शायद उसका एक ही पाम। आज तक कभी भी चीज नोटिस नहीं की थी, सच बताओ तो हमने कभी ये चीज नोटिस नहीं। जब इतनी बिना कैमरा करके निकालना है जाने देखो तो सबसे पहले ना ये सारी चीजों को डाल दे, हम जो है वो देखते एक बार आगे हो गया। कुछ था, कोई तो चीज थी यार, कुछ चीज सामने से गुजरी है। हाँ। तो इतनी ज्यादा भयानक थी कि दूर से लग गया था एक सेकंड के लिए, मुझे डर कोई आम डर नहीं था यार, जिसकी वजह से सुनने के बाद सुनने के बाद हमारे ऊपर डर लग गया। चीजें बहुत ज्यादा हो रही है और आवाज़ें जो रिकॉर्ड हो रही है वो चीज़ ही है भाई, कसम से कुछ मूवमेंट हो रहे हैं यहाँ पे और ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि हम ना इन सारी चीज़ों को फेस कर चुके हैं, पर इतना ज़्यादा कुछ गलत होगा ये हमें नहीं पता था। बहुत कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे और जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है वाकई में राधा भाई बहुत ज़्यादा डरावना है। और इंसान की चाहते हो कि हम आपके लिए कुछ अच्छा करें, कुछ पॉजिटिव करें, उसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा, बिना हम चारों को नुकसान हो जाए। दो चीजें अभी कंफ्यूज कर रही है, एक तो ये मूवमेंट हो रहा है, फॉर्म आगे आगे कहाँ जा रहा है, क्या आपने यहाँ पे इनका एंगल लग रहा है आगे हो गया चीजों को थोड़ा पहले एक ये देखो ये लास्ट यहाँ पे दो सीरियस सिंगल पहले तो यारों
रहा था, कसम से मेरी कोई लड़की थी। वो क्या है? तो हम निकाल के देखो। रेड रेड सा कुछ लाइट लगा हुआ है, जैसे लग रहा है। देखो बहुत पैरों के निशान और उसके ऊपर दीवार पे वो जो निशान है वो फर्स्ट टाइम दिख रहा है। ब्लड के निशान है यार, सूर्य पहले तो कभी नहीं दिखा। मेरे को लग रहा है देखो यहाँ पे एक छोटा सा कुछ बूंद गिरी हुई है ब्लड की साइड। एक बार अंदर देखते हैं क्या है। क्या तो चाहता है हम अंदर ना जाए, वो रोक रहा है इस रूम में ना जाए, ऐसा कुछ है। इसको यहीं पे रखेंगे अपन इस रूम में शायद, हो सके तो चले जाए। आवाज किसी के सिस्टम में की आवाज यही है, इसी तरफ से उस तरफ आ रही है। अरे भाई यहां से भाई भाई वो अंदर है कमरे में कोई सूर्या, अंदर कमरे में कोई है। आप हो रहा है तू बहुत ज्यादा लग गया भाई। ये चीज मिलती ऊपर हवा में होगी, गिरी है दोनों ने देखे हैं लाइव वालों को। ये चीज हवा में होगी, नीचे गिरी है। सुनो बता दो सदा घूम देते हैं और सूर्या इस कमरे में अंदर कुछ है इस वाले इस रूम में कोई है? मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ इस रूम में कोई है। इस रूम में चले तो कुछ पता चल सकता है भाई। समझ में नहीं आ रही कहानी आके। सुनिए राधे भाई, एक बार इस रूम में अपन चले ना तो जरूर से मेरे को ठीक नहीं लग रहा, पीछे हट गए यहाँ से, कसम से सही कह रहा हूँ। तो ये जो काम काम करते हैं ना वो करते हुए ना अपने दोनों भाइयों को नुकसान हो सकता है। लो आ जाओ आ जाओ राधे भाई, सब सुन लो। मेरे को अजीब सी वाइब आ रही है। सूर्या अंदर की टेबल ओपन बैठी है भाई। टेबल हिल रही है ऑटोमेटिकली, टेबल हिल रही है देखना ऑटोमेटिक मूवमेंट हो रही है भाई। वो देखो भाई भाई वो आगे आ रही धीरे धीरे टेबल। ओ भाई यार वो रिकॉर्ड करना भाई, बिल्कुल छिल दिया थी। ओ भाई आगे आगे पीछे गए। सूर्य भाई ये काम करो, आप जो करने आए ना वो करो। ले मैं कह रहा हूं अपने को महंगा पड़ सकता है ये। कौन सा भाई ये वाला रूम रखा है यार भाई? अभी भी हिल रही है देखो भाई पूरा खून से सना हुआ है भाई। अगर आप चाहते हो कि हम दोनों भाई आज के लिए चर्चा करें पॉजिटिव करें तो आप ये जो डोर रखी है भाई ने इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट या कोई हिंट देके हमें रियलाइज करवाओगे कि आप मुक्ति चाहते हो। फिर भाई पीछे हट जाए एक बार। भाई ये चीजें हिला देने वाली बिल्कुल यार, ये जो चीजें हो रही है ना यहाँ पे वाकई में इंसान की भूख है कपाजी इतने ज्यादा हाथ से जो हो रहा है ना वो इंसान की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं करती। बाहर आते सन्नाटा होती है, ये जो चीज है इसको किसी का भी शायद अंदर आना पसंद नहीं हो सकता है। आवाज आई थी ना तुम्हें पीछे से, अजीब सी आवाज आ रही है। ये भारतीय देव है कसम से। हाँ मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा रुकना चाहिए। यहाँ पर रुकना पीछे आ जाओ बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आगे बैठ, मैं क्या कह रहा हूँ पीछे आ जाओ। ओए ओए ओ
भाई कमरे में गई में गई कुछ भी अब पीछे अपने में समझदारी है कसम से उसी रूम में गई है अपनी बेवकूफी होगी कि अब अपन अंदर गए भाई निकलो यहाँ से बाहर निकलो भाई घूमो रे फैन करो फटाफट भाई यार ये तो तुमने ये तो जल गए थे यार ये यहाँ कैसे आ गई वो अंदर भाई ढोल के पास भाई सूर्या भाई उठ गया सूर्या भाई बिल्कुल तैयार था भाई वापस आओ सूर्या भाई जल गए थे ना तोड़ के आओ भाई लाइट करो फटाफट पॉसिबल ही नहीं है भाई अभी तक आग लग रही है सूर्या भाई की कसम खा के कह रहा हूँ दोस्तों ये देखो ये जला हुआ था और जस्ट 5 सेकंड पहले सूर्या भाई पीछे अपन ने देखा था सोचने पे मजबूर कर दी कसम से ये हम दोनों को इस चीज में वो बिल्कुल सही था ना और जैसे ये दिखी वो चीज गायब हो गई वहां से भाई चल रहा है फिर यहाँ से निकलेंगे चलो यहाँ से यार भाई 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 भा